खबर है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा इलाके की, जहां नवी मुंबई महानगर पालिका की बस पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि दो अज्ञात युवकों ने बस पर पथराव किया, जिससे बस के शीशे टूट गए। वहीं इस ड्राइवर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मुंब्रा पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और फरार युवकों की तलाश कर रही है। नवी मुंबई महानगर पालिका की बस के चालक संदीप ने बताया कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास वाली सड़क पर काफी भीड़भाड़ थी, जिस वक्त वे बस लेकर वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक दो युवक बस के सामने आ गए। लेकिन संदीप ने समय रहते बस का ब्रेक मार दिया, जिससे किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। लेकिन बस को अपने पास देखकर दोनों ही अज्ञात युवक भड़क उठे और न सिर्फ बस चालक संदीप से बदतमीजी की, बल्कि बस में भी तोड़फोड़ की। वैसे आपको बता दें कि जिस सड़क पर यह घटना हुई है, वहां बड़े पैमाने पर ठेले लगाए जाते हैं और ज्यादा भीड़भाड़ होती है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले बस चालकों या अन्य बड़े वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस घटना के बाद बस चालक संदीप ने कहा कि यहां अक्सर ऐसा ही होता है, भीड़भाड़ के चलते यदि बस किसी को छू जाए या किसी के पास से गुजर जाए तो लोग इसी तरह से मारपीट और तोड़फोड़ करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मुंब्रा स्टेशन के सामने बस धीरे धीरे चल रही थी, दो जन अचानक क्रॉस हुए, मैंने जाने भी दिया। एक उसमें से ऐसा रुक के फिर निकला कि जैसा सलमान निकलता है बस के। अच्छा, तो मेरे को लगा ना, फिर वो ऊपर आया वैसा, वहाँ से अच्छा। लोग उतरने वाले थे लेकिन उतरे नहीं, थोड़ा आगे स्टॉप था। अच्छा, तो पत्थर लिया और पे मार दिया। अच्छा, आपको कहीं नहीं लगा ना? मतलब मेरे को नीचे बुला के वो, हमने उसको बोला यार तू मारा, तो नशे में तो नहीं। पकड़ा उसको, तो एक दूसरा था उसने उसको छुड़ा दिया। अच्छा, आपको आपको भी मारा क्या? नहीं, पकड़ा पकड़ी।